गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी प्लस टू के विद्यार्थी जिनके पास फिजिकल है उनके लिए आज मैं सिलेबस की शुरुआत कर रहा हूं। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा रहेगा शारीरिक योग्यता और स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है। शारीरिक योग्यता और शारीरिक स्वास्थ्य यही सुयोग्यता एक अलग अलग स्तर पर होते हैं, इनका आपस में गहरा संबंध है। शारीरिक योग्यता मनुष्य की वह शक्ति तथा कार्य करने की योग्यता है जिसको वह बिना किसी बाधा से थोड़ी ही शक्ति में इस्तेमाल करके पूरा कर लेता है। यानी मनुष्य अपने कार्य को ज़्यादा शक्ति न लगा करके थोड़ी सी ताकत लगा करके उसको पूरा कर लेता है। शारीरिक योग्यता का स्तर एक कोई ऑफिस में काम करता है या एक श्रमिक जो खेतों में काम करता है या एक स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी है या कोई लेडीज है या बच्चे हैं नौजवान है का अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। शारीरिक योग्यता के विकास में व्यायामों का अतिरिक्त संतुलन, भोजन, आराम तथा अच्छा वातावरण महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये कहते हैं कि शारीरिक योग्यता, अगर कोई बच्चा अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो उसका अलग होगा, अच्छा भोजन करता है तो वो भी, और अच्छा वातावरण है तो उसके अंदर शारीरिक योग्यता का एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शारीरिक स्वस्थता एक व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह अच्छे व संतुलित जीवन व्यतीत करता है। स्वस्थता का मुख्य केंद्र जीवन का स्वस्थ शैली है, यानी वो कहता है स्वस्थता का जो केंद्र बिंदु जीवन का स्वस्थ शैली है, यानी अपना जीवन है वो बढ़िया ढंग से रोग रहित जीवन आराम से जिए। स्वस्थ जीवन शैली उचित आहार, व्यायाम, पर्याप्त आराम तथा वातावरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये देखो ये सारे जो टॉपिक का सार है वो कहता है स्वस्थ जीवन की शैली का उचित आहार, आहार माने भोजन, हम किस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें क्या प्रोटीन, न्यूट्रिशन पावर, नियमित व्यायाम, रेगुलर व्यायाम और पर्याप्त आराम। व्यायाम करने के बाद मनुष्य को आराम भी बहुत आवश्यक है, और अच्छा वातावरण, किस वातावरण में हम रह रहे हैं, और इसके अतिरिक्त धूम्रपान तथा मद्यपान, धूम्रपान मद्यपान की कड़ी पाबंदी लगा करके सुरक्षात्मक नियंत्रण के उपाय अपनाना चाहिए। आज के मशीनी युग में प्रत्येक मनुष्य अपने शारीरिक योग्यता बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। आज का मशीनी युग क्यों कहा गया है कि मनुष्य इतना बिजी हो गया है कि वो मशीन की तरह से कार्य करता है। शारीरिक योग्यता मनुष्य की वह शक्ति का कार्य करने की योग्यता है जिसके वह बिना किसी बाधा के आसानी से थोड़ी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे पूरा कर लेता है। यानी मनुष्य थोड़ी सी ताकत लगा करके उस कार्य को पूरा कर लेता है। शारीरिक पुरुषार्थ है व्यापक, इसकी परिभाषित करना बहुत कठिन है, फिर भी कुछ जो डेफिनेशन है जैसे कि डॉक्टर ए के उप्पल, शारीरिक योग्यता वह क्षमता है जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाओं के विभिन्न रूपों को बिना थकावट के तर्कपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। यानी कि जो मनुष्य है या बच्चा है या खिलाड़ी है उसको बिना थकावट के तर्कपूर्ण ढंग से उसको पूरा कर सके। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा निरोगता का महत्वपूर्ण गुण सम्मिलित होता है। निरोगता यानी मनुष्य के शरीर में कोई रोग या कोई किसी प्रकार की व्याधि न हो। अब आती है शारीरिक योग्यता के महत्व, अब हम उनकी महत्व पर बात करेंगे। तो नंबर एक है व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को, दैनिक कार्य होता है कि जो जीवन सुबह उठते हैं हम सबसे पहले पेस्ट करते हैं, स्नान करते हैं, इन चीजों को फिर बहुत ब्रेकफास्ट करते हैं, इस तरह इनको हम दैनिक कार्य कहते हैं, को सरलता से कर लेता है। शारीरिक पुष्टि हृदय तथा फेफड़ों से संबंधित बीमारियों को, खतरों को कम करने के लिए अति आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत से लोग, कोई हार्ट का बीमार है, कोई दमे का बीमार है तो उसको कहते हैं हृदय तथा फेफड़े से संबंधित बीमारियां, कोई शुगर का पेशेंट है तो इन शारीरिक पुष्टि है वो इनको खतरों से हमें बचाती है। शारीरिक योग्यता का स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम से तनाव को दूर रखने में भी सहायता मिलती है। जो बच्चा खेलता है या कोई खिलाड़ी है तो वो तनाव से कोसों दूर चला जाता है।
मानसिक स्वतंत्रता चेतना में सुधार करती है। शारीरिक योग्यता का स्वस्थ खेलों को सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। शारीरिक योग्यता वृद्ध होने के प्रक्रिया को धीमी करती है और मनुष्य की दीर्घायु बनाती है। ये बहुत ही बढ़िया बात कही है। वो कहता है कि आदमी हमेशा, जो आदमी खेलों से जुड़ा रहता है वो हमेशा जवान रहता है और दीर्घायु यानी वो अपना जो जीवन है पूर्ण 100 साल का करता है। थैंक यू।